अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। सरोज और सलमान की दूरियों की वजह क्या थी? कौन गाएगा फिल्म में आइटम सॉन्ग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अली अब्बास जफर अपनी अपकमिंग फिल्म सुल्तान 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी फिल्म में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी मौजूदगी से फिल्म की शान बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ बॉलीवुड की जगत जननी यानी पीके फेम अनुष्का शर्मा लीड रोल में काम करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में एक बार फिर फीमेल रेसलर अरफा और मेल रेसलर सुल्तान अली खान की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म के मेकर्स फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरे होते ही वो फिल्म को लेकर आगे का काम शुरू कर देंगे। हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहने वाले हम सबके भाईजान सलमान खान अपने फिल्म करियर की स्टार्टिंग में ही बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान से उलझ गए थे। सरोज खान अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। और एक बार सरोज खान ने भाईजान सलमान खान की भी क्लास लगा दी थी। दरअसल सरोज खान जब 1994 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज अपना अपना के गाने ये चांद और ये दूरी के लिए स्टेप्स कोरियोग्राफ कर रही थी, तभी सलमान खान उनसे नाराज हो गए। भाईजान को शूटिंग के दौरान ऐसा लगा कि सरोज खान फिल्म के दूसरे एक्टर आमिर खान को उनसे ज्यादा अच्छे स्टेप्स दे रही है और वो इसी बात पर उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने सरोज खान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा तो तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। इस पर सरोज खान ने भी सलमान खान को जवाब देते हुए कहा था कि रोटी वो नहीं बल्कि अल्लाह देता है, अगर मुझ में हुनर होगा तो तुम नहीं तो और कोई स्टार मेरे साथ काम कर लेगा। ये बातें सरोज खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया। 2000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी सरोज खान अब हम सब के बीच नहीं रही। उनका देहांत 3 जुलाई 2020 को हो गया था। अब उनके फैंस और चाहने वालों के पास बस उनकी यादें ही शेष हैं। अब बात करें अगर अली अब्बास जफर की फिल्म सुल्तान 2 की, तो आपको बता दें कि इस फिल्म में ऑडियंस को एक शानदार आइटम सॉन्ग सुनने को मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म में होने वाले आइटम सॉन्ग को बॉलीवुड की सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ गा सकती हैं। नेहा ने इससे पहले भी बॉलीवुड में कई आइटम सॉन्ग्स के साथ साथ हर टाइप के गाने गाए हैं। अगर नेहा इस आइटम सॉन्ग में अपनी आवाज देती हैं तो मानकर चलिए कि ये आइटम सॉन्ग हिट ही होगा, क्योंकि नेहा की फैन फॉलोइंग है ही इतनी कमाल की। सलमान और अनुष्का स्टारिंग ये फिल्म साल 2024 तक रिलीज की जा सकती है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सुल्तान 2 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।